नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टग्रिप पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी के बारे में और जानेंगे कि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी के लिए डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी जमीन होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ये भी बात करेंगे कि रिलायंस कंपनी गैस एजेंसी के लिए कंपनी ने क्या पात्रता मापदंड रखे हैं, यानी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों रिलायंस कंपनी के बारे में तो आज पूरा इंडिया जानता है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस कंपनी इंडिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के अंदर एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, टेक्सटाइल, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बिजनेस करती है। और दोस्तों यह कंपनी इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में से एक है, जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में गिनी जाती है। दोस्तों रिलायंस कंपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली कंपनी है और इंडिया के अंदर कुल व्यापारिक निर्यात का 8% अकेली रिलायंस कंपनी करती है। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितने बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। दोस्तों आज इंडिया के अंदर लगभग 3200 से अधिक LPG डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स इस कंपनी ने ओपन कर रखे हैं, यानी 3200 से अधिक LPG गैस एजेंसी आज इंडिया के अंदर रिलायंस कंपनी ने खोल रखी है। और दोस्तों आपको बता दें, अभी यह कंपनी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर LPG गैस प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यह कंपनी पूरी इंडिया के अंदर फैलेगी और पूरी इंडिया के अंदर LPG गैस प्रोवाइड करवाएगी। और दोस्तों कंपनी भी इंडिया के कोने कोने में अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती है और इंडिया के कोने कोने तक अपनी गैस पहुंचाना चाहती है। दोस्तों यदि कोई भी पर्सन रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी ओपन करके बिजनेस करना चाहता है तो बिल्कुल सही बिजनेस है और आने वाले समय में दोस्तों यह बिजनेस बहुत ज्यादा फल फूलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कंपनी ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, यानी इसके लिए क्या पात्रता मापदंड है। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वह एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और आवेदक की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य किसी तेल कंपनी में कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि कोई भी पर्सन यदि स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी के तहत आवेदन करता है तो उसके लिए ना तो कोई उम्र का प्रतिबंध है, यानी ना तो कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है और ना ही कोई एज से रिलेटेड कोई लिमिट है और उसे पूरी पूरी छूट दी जाती है। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन रिलायंस कंपनी की एजेंसी के लिए अप्लाई करता है तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रिलायंस कंपनी की LPG गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन है तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, लेकिन दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन नहीं है और जमीन आप किराए पर ले रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। दोस्तों दूसरी बात लोकेशन की, दोस्तों लोकेशन के हिसाब से आपको एजेंसी ओपन करनी पड़ेगी। यदि आपके एरिया के अंदर कस्टमर कम है तो छोटी एजेंसी ओपन कर सकते हैं और कस्टमर ज़्यादा है तो आपको बड़ी एजेंसी ओपन करनी पड़ेगी। और दोस्तों इन दोनों चीज़ों के बाद आपको एजेंसी के अंदर सभी चीज़ों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों आपको अच्छा खासा गोडाउन बनाना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, व्हीकल खरीदने पड़ेंगे, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको कम से 30 से 40 लाख रुपए तक कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना गोडाउन बनाना है और एक अच्छा खासा ऑफिस बनाना है, उसके लिए अलग से कॉस्ट होगी। और यदि आप अपने कस्टमर को होम डिलीवरी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हीकल खरीदने पड़ेंगे, तो उनके लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों उसके बाद आपको आपकी एजेंसी के लिए स्टाफ हायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों सभी चीज़ों के लिए यदि आपके पास 80 लाख से 1 करोड़ रुपया है तो आप आसानी से रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी ले सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो जितनी ज़्यादा जमीन होगी उतना अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे और जितनी कम जमीन होगी उतना ही बिजनेस करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास अच्छी जमीन है तो आप ज़्यादा स्टॉक रख सकेंगे और अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकेंगे और टाइम टू टाइम LPG प्रोवाइड कराएंगे। और यदि आपके पास कम जमीन है तो आप ना तो ज़्यादा स्टॉक रख सकेंगे और
थोड़े स्टॉक के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा, जिससे आप अपने कस्टमर को समय पर एलपीजी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों इसके अंदर आपको सभी चीजों के लिए अलग अलग जमीन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों जैसे आपको एक अच्छा सा गोडाउन बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सा ऑफिस बनाना पड़ेगा और अपने व्हीकल की पार्किंग के लिए अच्छी सी जमीन रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको कम से कम 2500 से 3000 स्क्वायर फीट के अंदर गोडाउन बनाना है और उसके बाद आपको कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट के अंदर एक अच्छा सा ऑफिस बनाना है। उसके बाद दोस्तों आपको आपके व्हीकल के लिए और आपके कस्टमर के व्हीकल के लिए 500 से 1000 स्क्वायर फीट के अंदर एक पार्किंग बनानी है। तो दोस्तों यदि आपके पास कम से कम 5000 स्क्वायर फीट जगह है तो आप आसानी से रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेकर बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रहे, आप अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज देंगे तभी कंपनी के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि दोस्तों कंपनी का एक ही रूल है कि वह अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज देना चाहती है। तो दोस्तों आप अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो भी कंपनी आपको लंबे टाइम तक डीलरशिप देगी, वरना दोस्तों कंपनी आपसे डीलरशिप ले भी सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंपनी कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक करती है और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक करती है। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए। आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। और दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और फोन नंबर होने चाहिए और कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो कंपनी से आपको पता चलेंगे। और दोस्तों आपके पास अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दोस्तों प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए जहां दोस्तों आपको एजेंसी ओपन करनी है। और दोस्तों यदि आप जमीन लीज पर ले रहे हैं तो आपके पास उसका लीज एग्रीमेंट और एनओसी होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कंपनी के जमीन से रिलेटेड कुछ रूल हैं, जैसे जमीन के ऊपर ना तो कोई गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन होना चाहिए और जमीन ऑन रोड होनी चाहिए। और दोस्तों जमीन के ऊपर अच्छी वाटर फैसिलिटी और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके पास यह सभी डॉक्यूमेंट है, अच्छी लोकेशन पर जमीन है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेकर बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। जैसे दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इनका एक अच्छा सा ग्रीन कलर का इंटरफेस दिखाई देगा। और दोस्तों नीचे कुछ एडवाइजरी दी गई है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों आप यहाँ से कंपनी के बारे में सभी न्यूज़ ले सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों आपको ऊपर इनका टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप इसके ऊपर कॉल करें और रिलायंस गैस एजेंसी के बारे में पूरी पूरी डिटेल लें। दोस्तों यहां से आपको सभी डिटेल मिल जाएगी कि कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन देती है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, सभी जानकारी दोस्तों आप इस टोल फ्री नंबर से ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो दोस्तों आपको ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे, जैसे दोस्तों लोकेट ए फ्यूल स्टेशन, फीडबैक, फैक्स, रिक्वेस्ट ए कॉल बैक और बिजनेस इंक्वायरी। दोस्तों आपको बिजनेस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप बिजनेस इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बिजनेस इंक्वायरी का पूरा फॉर्म ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो भी डिटेल कंपनी द्वारा मांगी गई है सभी डिटेल दोस्तों आपको यहाँ देनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको पार्टनर टाइप सिलेक्ट करना है कि कंपनी से आप किसके लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कौन सी डीलरशिप लेना चाहते हैं, पेट्रोल पंप के लिए लेना चाहते हैं, गैस के लिए लेना चाहते हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे, उनमें से दोस्तों आपको रिलायंस गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपके सामने क्राइटेरिया आ जाएगा। दोस्तों इनका क्राइटेरिया है जैसे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिएगी और कितनी ज़मीन चाहिएगी। दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया कि 5000 स्क्वायर फीट कम से कम जगह होनी चाहिए और 30 से 40 लाख रुपए कंपनी आपसे सिक्योरिटी के तौर पर ले लेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नीचे की तरफ आपको कुछ डिटेल भरनी है जो कंपनी आपसे मांग रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, फिर दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी भरें और फिर नीचे तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड का, एक सर्विस का और एक अदर का। ठीक है दोस्तों, इनमें से यदि आप जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है सब कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेम ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड सर्विस,
यानी आप पहले जो भी बिजनेस करते थे या सर्विस करते थे उसका नाम भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको योर एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग यानी आप कितना रिस्क उठा सकते हैं वह डिटेल देनी है कि कितना आप रिस्क उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सूटेबल लैंड फॉर स्टोरेज गोडाउन मिनिमम 5,000 स्क्वेयर फिट, यानी आपके पास 5,000 स्क्वेयर फिट कम से कम जगह होनी चाहिए तभी कंपनी आपको डीलरशिप देगी। तो दोस्तों आपके पास आप लीज पर ले रहे हैं या आपकी खुद की ज़मीन है ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों आपको अपनी ज़मीन से रिलेटेड पूरी पूरी डिटेल डालनी है और आपके बारे में पूरी पूरी जानकारी कंपनी तक पहुंचानी है कि आपकी ज़मीन कहाँ है, किस लोकेशन पर कितनी ज़मीन है, ठीक है दोस्तों। पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दें। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आई एम नॉट रोबोट का एक चेकबुक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों एक बार आप पूरा फॉर्म चेक कर लें, जो भी डिटेल आपने इसके अंदर दी है वह चेक कर लें सही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखें जो भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर आप डाल रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी जब भी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी तो इन्हीं के थ्रू करेगी, ठीक है दोस्तों। आप यदि आपका पूरा फॉर्म ठीक है तो आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी के पास चली जाएगी। और यदि कंपनी को आपकी लोकेशन के ऊपर यदि एजेंसी की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। और दोस्तों जब तक कंपनी को आपकी लोकेशन के ऊपर एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों ऐसे आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको फॉर्म फिल करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसके बाद दोस्तों हम यह पूरा फॉर्म फिल करके आपको दिखा देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यदि आप रिलायंस कंपनी की गैस एजेंसी लेते हैं तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी प्रति सिलेंडर प्रॉफिट मार्जिन देती है। दोस्तों कंपनी कम से कम 30 से 40 रुपये प्रति सिलेंडर प्रॉफिट मार्जिन देती है, लेकिन दोस्तों इनके ऊपर कुछ चार्ज लगता है, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक्यूरेट प्रॉफिट मार्जिन पता करना है तो दोस्तों आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और वहां से आपको दोस्तों एक्यूरेट प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाएगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी। और यदि आप अपने कस्टमर को होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा या कम प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, सब जानकारी दोस्तों आप कंपनी से ले सकते हैं। दोस्तों आपके ऊपर जो भी टोल फ्री नंबर दिया गया था उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप उसके ऊपर कॉल करें और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में दोस्तों आपको वहां से सब जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट करे पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और दोस्तों यदि आप नई नई बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।